नंदनवन के गायत्री कॉन्वेंट के पास स्थित एक मकान में 75 वर्षीय बुजुर्ग रिटायर्ड महिला डॉक्टर की गला रेत कर निर्मम हत्या की गई है। अज्ञात आरोपी ने डॉक्टर देवकी के हाथ कुर्सी से बांधकर हत्याकांड को अंजाम दिया है। मृतक देवकी जीवनदास बॉबडे है। डॉक्टर देवकी टीबी हॉस्पिटल से सेवानिवृत्त हुई हैं। उनका नंदनवन पुलिस स्टेशन के पास ही गायत्री कॉन्वेंट से सटकर ही दो मंजिला मकान है। ग्राउंड फ्लोर पर डॉक्टर देवकी अपने लकवाग्रस्त पति के साथ रहती थी, जबकि उनकी बेटी, जवाई और नाती पहली मंजिल पर रहते हैं। उनकी बेटी और जवाई भी डॉक्टर हैं। शनिवार दोपहर 12 से शाम 6:30 बजे तक देवकी बाई अपने पति के साथ घर पर ही मौजूद थी। उनकी बेटी क्लिनिक जाते समय मां को देखने के लिए कमरे में गई तो उसने देखा कि देवकी बाई कुर्सी से बंधी हुई है और उसका गला रेता हुआ नजर आया। घटना की सूचना मिलने पर नंदनवन पुलिस अपराध शाखा की टीम और पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार सहित अनेक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने खून से सना चाकू बरामद किया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN News नागपुर।